हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वही पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? अच्छा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए मेरे स्क्रीन नहीं दिखे, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा था, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे कन्फर्म करके बताइएगा। ठीक है, बस थोड़ी देर आपको वेट करना है। चलिए, अब दिख रही है स्क्रीन सभी को? ठीक है, एक बार चैट में लिख के बताइए। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ बच्चों की क्लास छूट भी गए थे, ठीक है, तो मैं सारी चीजें एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो, तो इसको दो तीन तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे आप कहोगे कि सर, सबसे पहले अगर हमारे पास कुछ ऐसे भिन्न रहेंगे जिसका हर यानी डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर अगर सेम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5/7 + 8/7, ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ दोगे, और नीचे वाले क्या करोगे? नीचे वाला 7/7 है सेम, तो सीधे सीधे 7/7 को आप 7 लिख दोगे, है ना। यहाँ पर 7 लिख दो, ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ दोगे 5 + 8, 5 + 8, तो ये जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 8 × 5 = 13, 13/7 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये आंसर आएगा, मतलब आपने ये समझा कि अगर कभी a/c + b/c का फॉर्म आ जाए ना, मतलब नीचे में अगर सेम नंबर दिखे, तब सीधे सीधे हम लोग एक बार नीचे c लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे। जोड़ क्यों रहे? यहाँ पर प्लस है तो बीच में मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, आज जब घटाव पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम नियम रहेगा, सिर्फ बीच में घटाव आ जाएगा। ठीक है, बाकी रूल सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि चलिए मुझे ये बताइए कि 7/4, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, 7/4 + 3 पूर्णांक 1/4, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर, एक नंबर तो ठीक है, 7/4 अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना होगा? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना होगा। तो 7/4 को तो मैं 7/4 ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 7/4 ही लिख दिया। जब 3 पूर्णांक 1/4 को आप क्या लिखोगे मुझे बताओगे? 3 पूर्णांक 1/4 को आप अनुचित भिन्न के फॉर्म में क्या लिखोगे, ये बताइए जल्दी से। वेरी गुड, 13/4। क्या करोगे सर? बोलेंगे 3 और 4 को गुना करेंगे, ये दोनों नंबर को गुना करते हैं, 3 × 4 = 12, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो 13 आ जाएगा, 3 × 4 = 12 और 1 = 13, तो बोलोगे 13/4, है ना। सभी का आंसर आ रहे हैं 13/4। चलिए, अब यहाँ फिर से हमें क्या दिख रहा है कि दोनों ही नंबर नीचे में सेम दिख रहे हैं, इस दोनों का हर क्या है? सेम है। ठीक है, तो आप 4 और 4 को नीचे लिख दोगे, 4 एक बार ही 4 लिखना है, ठीक है, 2 बार जोड़कर नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार 4 लिखोगे। ऊपर वाले नंबर को जोड़ दीजिए 7 + 13, तो ये जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 20/4। अब देखो, फाइनल आंसर आप इतना नहीं छोड़ोगे, ठीक है, 20/4 लिख के आंसर नहीं छोड़ोगे, आप बोलोगे सर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे क्या करेंगे? 4 से आप 20 को काटोगे, 4 से पढ़ोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, तो 4 से 5 बार में कटेगा ना, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। 5 इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? 5 हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया? इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हमारे पास हर अलग अलग रहेंगे, ठीक है, जैसे किसी ने अभी पूछा था कि आपका क्वेश्चन क्या था, 12/16 + 7/4, ठीक है, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं लिख दूं कि 12/16 + 7/4, ठीक है, 7/4, इसको हमें जोड़ना है, इसमें आप क्या करोगे? देखो, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप करोगे तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर हर अलग अलग है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 12/16 + 7/4। यहाँ बोलोगे सर 16 और 4 का, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 4 और 16 का? दो तरीका है, पहले मैं तो जो हमारा मेथड है उसे कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, ठीक है, फिर डिवाइड करोगे 2 से, तो बोलोगे 2 एकम 2, 2 × 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे, बोलोगे 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो एक ऐसे लिख देंगे 2 दूनी 4, है ना, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे 1 और यहाँ पर 1, तो इन सभी नंबर को आप अगर गुना करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 को अगर गुना किया तो एलसीएम तो आपकी आवाज कितना दुनिया रही।
आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? नहीं, सभी लोग बताइएगा, आवाज जा रही है मेरी? अच्छा, सनी के नाम से जो बच्चे हो आप, एक बार लिख कर देखो, नेटवर्क के कारण कई बार होता है, तो आप चैट में लिख के बता दिया करो, ठीक है? तो आप चैट में लिख दो एक बार, अभी लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, ठीक है? अभी आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करो पहले। चलिए एक मिनट रुकना, ठीक। तो यहाँ एलसीएम कितना आया? एलसीएम हमारे पास 16 आ गया, ठीक है? जो लघुत्तम समापवर्त है 16 आ गया। तो आप नीचे में क्या लिखोगे? नीचे में आप 16 लिख दोगे। अब मुझे बताइए कि 16 का टेबल आप पढ़ोगे तो 16 कितने बार में आएगा? 16 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा? लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए। नेटवर्क के कारण हो रहा होगा ऐसा कि आवाज नहीं जा रही, बाकी सभी को आवाज जा रही है, मतलब मेरे तरफ से सारी चीज सही है, तो नेटवर्क के कारण आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, सही हो जाएगी। तो 16 एकम 16 होता है, तो इस 12 को 1 से गुना करोगे, तो 12 इंटू 1 करेंगे, ठीक है? उसके बाद 4 चौके 16 होता है, 4 का टेबल में 4 बार में 16 आता है ना, तो इस 7 को 4 से गुना कर दो, ठीक है? तो यहाँ बोलोगे 7 गुना 4 लिखेंगे, ठीक है? अब इसको सोल्व करने पे क्या मिल रहा है? 12 प्लस 7 चौके 28 और बट्टा 16, इसको जोड़कर मुझे बताइए, 28 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 28 और 12 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है, 40 बटा 16, ठीक है? 40 बटा 16। अब आंसर 40 बटा 16 नहीं छोड़ोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आप बोलोगे सर 40 भी 8 से डिवाइड डिविजिबल है, 16 भी 8 से डिविजिबल है, या छोड़ो छोटा नंबर से आप डिवाइड करो। आप करोगे 4 से काटता हूँ, 4 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से 40 को कटोगे तो 10 बार में कटेगा। फिर से मुझे दिख रहा है कि 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 2 4, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 5 बटा 2। इतना क्लियर हुआ? ये समझ में आया? हाँ या ना? अगर सारी चीजें क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे, रिकॉल क्वेश्चन करेंगे पिछले क्लास पे आधारित। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन ट्राई करिए। बोला जा रहा है 9/14, आराम से करिएगा, 9/14 प्लस 5/21, इन दोनों को जोड़ना है। और अगर आंसर हो जाए तो आप अपना हैंड रेस करोगे, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। पहले सॉल्व करिए कॉपी पर, देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। नौ बटा 14 प्लस 5 बटा 21। चलिए अब पोल में आंसर कर सकते हो, अब आपको पोल दिख जाएगा। पहले आप क्या करोगे? एलसीएम देखोगे, 14 और 21 का एलसीएम देखो कितना आ रहा है। अगर आप एडिशन सीख गए तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आसान है, सेम ही नियम है, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर आ रहे हैं काफी लोग के, वेरी गुड। देखिए हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करो, काफी सारे इसमें प्रोसेस हैं, बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है? 14 और 21 का एलसीएम निकालो, नीचे वाले हर का एलसीएम निकालो आप, उसके बाद एलसीएम लिखोगे, देखोगे किस तरीके से मैंने बताया था मेथड, वो सारी चीजें करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है समय लगे, बिल्कुल समय दिया जा रहा है, काफी कम आंसर आए हैं अभी। सर इसका एलसीएम तो और कुछ आ रहा है।
एलसीएम कुछ भी आ सकता है, आप सोल्व करो जो भी एलसीएम आपका आ रहा है, जरूरी नहीं कि 14 या 21 ही आए। निश रहे से 42 आ रहा है, 42 तो 5 और 9 आता नहीं। 5-9 आने से कोई जरूरत, 42 एलसीएम आपका ठीक है, एलसीएम ठीक है, आपने किया क्या? देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, आपने एलसीएम निकाल लिया ना 42। अब देखो 14 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 9 का टेबल नहीं पढ़ना है, 14 का टेबल पढ़ना है, जितने बार में भी आता है 14 के टेबल में, जितने बार में भी 42 आता है उतने बार को 9 से गुना करना है, 21 को गुना करो 42 कितने बार में आता है, जितना भी आएगा उसको 5 से गुना करना है, ठीक है। 9 का टेबल में थोड़ी 42 आएगा, 5 के टेबल में 42 नहीं आएगा, समझ में आया? ट्राई करो आप। टेबल आपको हमेशा नीचे वाले नंबर को पढ़ना होता है, 14 और 21 का, ऊपर वाले नंबर को बस गुना करेंगे, जितने भी बार में 14 के टेबल में जितने बार में से 42 आ रहा है उस नंबर से 9 को गुना करना। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं अभी भी। चलिए 20 सेकंड और रुक रहे हैं, ठीक है, 20 सेकंड और, कुछ आंसर आ गए, जिनके नहीं आए ट्राई करो कि आप कर लो इतने समय में। फिफ्टीन सेकंड, 15 सेकंड और, ठीक है, अब काफी लोग के आंसर आए, ठीक है, दो बच्चे का और आंसर नहीं आया, बस दो लोग का नहीं आया, बाकी सभी लोग ने आंसर दे दिया। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, फाइव फोर थ्री टू वन। चलिए इसको समझते हैं, देखो यहां पर क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी किसी का डाउट था, देखो आपने एलसीएम तो ठीक निकाला था 42, मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, 14 लिखोगे यहाँ पर, 21 लिखोगे, आप इस तरीके से लाइन बनाओगे, आप बोलोगे सर 14 और 21 किसी नंबर से कटता है क्या, तो बोलूंगा मैं 7 से कटता है ना, 7 से ये दोनों ही नंबर कट जाएगा, और 7 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, ठीक है। अब ये 2 और 3 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, है ना, तो आप 2 से डिवाइड लगाओगे, बोलोगे सर 2 एकम 2, और यहाँ पर 3 को ऐसे ही लिख दिया, जो नहीं कट रहा सीधे के सीधे लिख देंगे, कई बार मैं बताया वो सारा चीज, ठीक है, 1 और यहाँ पर 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, इन सभी को गुना करो आप, तो आप लिखोगे 7 × 2 × 3, बस 7 × 2 × 3, इनको गुना करने पर कितना मिल रहा है, 7 × 6 यानी 42, है ना, इन दोनों को गुना कर दिया था 6, 42, एलसीएम 42 आया। यहाँ तक क्लियर है सभी का, बताइए एक एक स्टेप बताइए, एलसीएम समझ में आया ना कि 42 कैसे आया, हाँ या ना? तो यहां पर आप नीचे में 42 लिखोगे, ठीक है, यहां पर 42 लिख दिया। अब देखो 9 के टेबल नहीं पढ़ना है आपको, कई बार आप कह रहे थे ना भी कि 9 के टेबल में तो 42 नहीं आता, हाँ 9 के टेबल में 42 नहीं आएगा, 14 को आपको देखना, इस वाले को, 14 के टेबल में 42 आता है ना, जरूर आएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एलसीएम निकालो वो नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, तो एलसीएम मतलब उसी का मल्टीपल है, वो गुणज है, तो 14 × 3 = 42, क्लियर है, 14 × 3 = 42, तो बस आपको इस 9 को 3 से गुना कर देना है, 14 को अगर 3 से गुना करने पर 42 आता है, तो इस 3 को 9 से गुना करोगे आप, 9 × 3 लिखोगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, यहाँ पर बताइए 21 को कितने बार गुना करने पर 42 आता है, 21 को कितने बार गुना करने पर 42 आता है, आप बोलोगे सर 2 बार, 21 को 2 बार गुना करेंगे, 21 × 2 = 42 होता है ना, 21 × 2 = 42 होता है, तो इस 5 को 2 से गुना कर दोगे आप, तो आप बोलोगे 5 × 2, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप बोलोगे 27 + 10 / 42, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 37/42, ये समझ में आया, आंसर डी हमारा है, बाकी कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन ए थे, है ना, तो आंसर बाकी सारे गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही हो, गलत हो गया कोई बात नहीं,
अब समझ में आया या नहीं ये बताइए, मेरे सॉल्व होने के बाद अब समझ में आ गया ना? ठीक है आगे बढ़े। चलिए तो एडिशन पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ एक और करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए। बोला जा रहा है 13/2, और ये थोड़ा आसान है पहले वाले से। 13/2 प्लस 4 पूर्णांक 1/2, ठीक है, इसको करिए। यहाँ पर आपको ये भी सीखना है कि आप एक मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे। पहले आप 4 पूर्णांक 1/2 को अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और आंसर आपका जो होगा ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सरलतम रूप में आंसर आएगा। तो अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करके देखो फाइनल आंसर कितना आता है, ए बी सी या डी। एक आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर करिए। देखो आप अगर थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दोगे तो आंसर हो सकता है गलत करो, ठीक है। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको छोड़ना। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से काफी आसान है, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। बस आपको अगर मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करने आता है, मैंने काफी पहले सिखा चुका हूँ ये सारी चीज, काफी सारा प्रैक्टिस किया है, तो काफी जल्दी आंसर हो जाएगा। चलिए अभी मैं 25 सेकंड दे रहा हूँ, 25 सेकंड और, जिनका भी नहीं हुआ है ट्राई करो कि आप 25 सेकंड में सॉल्व करते रहना है, आपको सॉल्व करते रहिए। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और जितने भी आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, सिर्फ एक आंसर अभी तक गलत आया है। 15, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और, जल्दी से आंसर कीजिए अब, 10 सेकेंड और है आखिरी के, सिर्फ एक बच्चे का आंसर बचा हुआ है, ठीक है। 5 सेकंड और रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, चलिए इसको समझते हैं। कुछ आंसर गलत है, मैक्सिमम आंसर सही है, ठीक है। देखो यहां पर सबसे पहले बस इतना मुझे बताइए कि 4 पूर्णांक 1/2 को आप क्या लिखोगे अनुचित भिन्न के फॉर्म में, इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे बताइए। 4 पूर्णांक 1/2 को कन्वर्ट करके कितना लिखेंगे, एनीवन, कोई भी माइ लिख दीजिए चैट में, ठीक है। 9/2 क्या करेंगे आप बोलोगे, 4 और 2 को गुना करेंगे। अच्छा ये वाला कोई डाउट नहीं है ना, इसमें भी अगर डाउट हो तो पूछ लो। 4 और 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो यहां से आ जाएगा 9/2, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप बोलोगे सर 13/2 है ये, और दूसरा वाला नंबर 9/2 है। अब इन दोनों के हर सेम दिख रहे हैं, नीचे में सेम नंबर दिख रहा है, तो ये काफी आसान हो गया। आप बोलोगे नीचे में 2 लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को सीधे सीधे जोड़ दोगे, तो 13 प्लस 9 आएगा। 13 और 9 को जोड़ोगे तो 22 मिलेगा, 22/2। अब 22/2 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, तो आंसर कितना होगा। आप बोलोगे 22/2, 2 से 22 कट जाएगा, है ना, 2 से 22 काटोगे तो 11 बार में कटेगा, 1 कम 1 कम, ठीक है, तो 11 आंसर आएगा। इतना क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बताइए जिनके गलत भी हो गए थे, कुछ बच्चे ने 22 आंसर किया, तो देखो ये 22 नहीं था, यहाँ 22/2 था, तो आपको आंसर क्या करना है, 22/2 का मतलब 11 हुआ ना। अगर मैं लिख दूं 8/2,
आठ बटा दो का मतलब चार बोलते हो, दो चौके आठ, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ना। ये बताइए, ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में जिस तरीके से आपने भिन्नों का जोड़ सीखा, भिन्नों का घटाओ भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। बस बीच में जहां पर आपने प्लस का साइन लगाया, प्लस के जगह पर माइनस का साइन लगा दोगे, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। उसी तरीके से एलसीएम निकालोगे, उसी तरीके से गुना करोगे। ठीक है, तो मैं सीधे क्वेश्चन अगर दूं आपको। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद करोगे अपना। चलिए, जैसे क्वेश्चन है, तीन बटा चार में से दो बटा तीन घटाना है। अगर मैं बोलता हूँ ए में से बी को घटाइए, ए में से बी को घटाइए, तो ए माइनस बी लिखोगे। तो मैं लिख रहा हूँ थ्री बाई फोर माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, अंतर क्या है, बाकी सारा चीज तो सेम है, बस बीच में माइनस आ गया। पिछले बार बीच में प्लस था, इस बार बीच में माइनस आ गया। आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चार और तीन का एलसीएम कितना आएगा, किसी ने सॉल्व किया? तीन और चार का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो इसको मैं दो से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बोलोगे दो से तीन नहीं आता, तीन को मैं ऐसे ही लिख दिया, दो दूनी चार। फिर दो से डिवाइड करोगे तो बोलोगे तीन सर ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पर दो एकम दो, और लास्ट में तीन से डिवाइड करोगे तो एक कम, और यहाँ पर एक। तो दो इंटू दो इंटू तीन करने पर ये मिल रहा है बारह। तो एलसीएम तो बारह आ रहा है, तो एलसीएम मैं लिख दिया बारह, है ना। ये एलसीएम कितना आया, बारह आया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ट्वेल्व। ठीक है, अब मुझे बताइए, चार के टेबल में बारह कितने बार में आता है? चार का टेबल पढ़िए और मुझे बताइए, चार के टेबल में बारह कितने बार में आता है? तीन बार में। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर में तीन लिखा हुआ है इसको तीन से गुना कर देना है। तो आप बोलोगे तीन इंटू तीन लिख देंगे सर। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दिया। ठीक है, तीन के टेबल में बताइए बारह कितने बार में आता है? तीन के टेबल में बारह कितने बार में आएगा? चार बार में आएगा, है ना। तो चार बार में आएगा, तो इस दो को आप चार से गुना करोगे, तो आप लिखोगे टू इंटू फोर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया? बताइए। तो यहां से आपको मिल रहा है नौ माइनस आठ बटा बारह। नौ कहां से आया, ये तीन और तीन को गुना किया नौ आया, दो और चार को गुना किया आठ आया। तो नौ माइनस आठ करेंगे तो एक आएगा, एक बटा बारह हमारा फाइनल आंसर आएगा। इतना क्लियर है? बताइए, घटाओ कर लेंगे, जैसा जोड़ था वैसे ही घटाओ था, बस बीच में माइनस था, वहां पर प्लस था, यहां पर बीच में माइनस आ गया। ठीक है, तो घटा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं कह रहा हूं सात बटा बारह में से तीन बटा बारह घटाइए, देखो इस बार हर जो है नीचे वाला जो नंबर है वो सेम है, सात बटा बारह माइनस तीन बटा बारह, क्या आंसर होगा? तो मुस्कान का आंसर आ गया, वेरी गुड, पांच बटा बारह। तीरथ के नाम से जो बच्चों, फिर से आप ट्राई करो, फिर से आप देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, चेक करो बस अपना आंसर और फिर से आंसर लिखो। देखो यहां पर बोलोगे सर हर सेम है, है ना, बिल्कुल एडिशन वाला ही नियम लगेगा, कुछ भी अलग नहीं है। तो नीचे में 12 यहाँ भी है, नीचे में 12 यहाँ भी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नीचे में एक बार 12 लिख दोगे। ठीक है, एक बार 12 लिखोगे। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को सेम लिख दोगे, 7 और 3। अगर नीचे में हर सेम है तो सेम टू सेम लिखेंगे, 7 माइनस 3, और बीच में माइनस लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 4 बटा 12 आएगा। ठीक है, 4 बटा 12, और 4 बटा 12 को सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, चार के टेबल में बारह आता है ना, तो चार तीया बारह होता है, तो यहाँ तीन आएगा, तो एक बटा तीन आंसर आएगा। इतना क्लियर है सभी का? मतलब यहाँ से आपने ये सीखा कि अगर कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए ए बटा डी माइनस बी बटा डी, तो आप क्या करोगे, दोनों ही के नीचे अगर डी सेम है, अगर सेम नंबर दिख रहा है नीचे, तो एक बार डी लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को ए माइनस बी कर देंगे। अच्छा, गलती से लिख दिया था, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, ये समझ में आया, ये वाला पैटर्न समझ में आया कि अगर नीचे में सेम रहेगा तब तो काफी जल्दी हो जाएगा सर, कि नीचे में डी लिख दिया और ए माइनस बी कर दिया। ठीक है, लेकिन नीचे में अगर अलग नहीं रहेगा, मैं और कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पोल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, तीन बटा पांच माइनस चार बटा आठ। क्वेश्चन है थ्री बाई फाइव
माइनस 4/8, इसको करिए। पहले तो 5 और 8 की आप एलसीएम निकालो। पांच और आठ की पहले एलसीएम निकालो और बताओ कितना आ रहा है। तो एक आंसर आ गया है चैट में। जो आपका आंसर है अपना अपना आंसर सभी लोग लिखेंगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो अब आपको देखना है, ठीक है। बोलो कि 5 और 8 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो दोनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो आप, मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 5 से लगा रहा हूँ, तो बोलो कि 5 एकम 5, 5 के टेबल में 8 नहीं आता तो सीधे सीधे 8 लिख दिया, ठीक है। अब 8 को डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 और 1, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 5 × 2 इंटू टू इंटू टू, है ना। इन सभी को गुना करने पे कितना मिल रहा है, इन सभी नंबर को मैंने गुना किया तो आप बोलोगे 5 × 2 तो 10 हो जाएगा सर, और 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, तो 10 × 4 40 आया। तो एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम 40 आया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नीचे मैं 40 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। 40 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि एलसीएम 40 आया। अब 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, बस इतना बताओ जल्दी से। 5 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 5 × 8 = 40, है ना। तो 5 × 8 = 40 होता है, तो 3 को 8 से गुना करेंगे, ऊपर वाले नंबर को 8 से गुना कर दोगे, ठीक है। अब 8 का टेबल में 40 कितने बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा। 8 के टेबल में 40 5 बार में आएगा, तो इस 4 को 5 से गुना कर देंगे, तो 4 × 5। इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलता है 8 के 24 माइनस 5 चौके 20 बटा 40। सॉल्व करने पर दिख रहा है 4/40, 24 में से 20 को घटाया 4 मिला, 4/40, और इसको सॉल्व करने पे ये 10 बार में कट रहा है, तो 1/10 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्लियर हुआ, 1/10 हमारा फाइनल आंसर होगा, बताइए। इतना क्लियर है, हाँ या ना? नहीं, क्या डाउट है, आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो, अजय के नाम से जो ही बच्चे हो सर दोबारा अपना। से तुम जा दो। यस अच्छा, आपकी अभी क्लास लेफ्ट हुई थी क्या, क्यों सर, फोन लेफ्ट हो गई थी क्लास? आ गया था सर मेरी बुआ का। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से आप अगर लेफ्ट करोगे तो फिर यही प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए एक बार मैं जल्दी से समझा रहा हूँ, अगर इस तरीके से होगा तो फिर सिलेबस आपकी पीछे हो जाएगी ना। देखो इतना समझ में आ रहा ना कि एलसीएम 40 होगा। पहले ये बता दो, अपना माइक आप ऑन रखो। यस एलसीएम तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, एलसीएम आपने पिछले क्लास में सीखी 40। मुझे आप बताओ 5 का टेबल पढ़ोगे 40 कितने बार में आएगा, माइक ऑन रखो और बताओ। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 कितने बार में आएगा, 5 का टेबल पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 बार में आएगा ना, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो ये देखना है 8 बार में आया, तो ऊपर वाले नंबर को 8 से गुना कर दो, बस यही तरीका, यही चीज सीखना है आपको। 3 को 8 से गुना कर दो, ठीक है। 8 के टेबल में 40 कितने बार में आएगा, तो 8 के टेबल में 40 5 बार में आएगा, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से गुना कर दो, तो 4 × 5, ठीक है। तो टेबल ऊपर वाले का नहीं पढ़ना है, टेबल नीचे वाले का पढ़ना है, और ऊपर वाले नंबर को गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप तो सॉल्व कर लोगे 24 − 20/40, तो यहाँ से मिल जाएगा 4/40, जिसको काटोगे तो आपको मिल जाएगा 1/10, 10 बार में कटेगा ना। अब क्लियर हुआ, यस सर। चलिए और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो आपके पास अगर एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से अगर घटाने के लिए दे दिया जाए आपको, मैं बोल रहा हूँ 3 पूर्णांक 2/7, ठीक है, इसको आप घटाइए 5 पूर्णांक 1/3 से। चलिए इसको करके बताइए जल्दी से मुझे। पहले इसको आप कन्वर्ट करो, ठीक है, इसको कन्वर्ट करो, फिर इसको कन्वर्ट करो इम प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में।
जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। देखो इसको मैं कर रहा हूं, आप बोलोगे 3 और 7, 3 और 7 को गुना करेंगे सर, 3 7 21 और 2 को जोड़ेंगे तो 21 22 23/7 आया, ये 23/7 आया ना, 7 21 22 23, ठीक है। माइनस इसको करोगे तो 5 3 15, इन दोनों को गुना करना है आपको, 5 3 15 और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देना है, तो 5 3 15 116, 16/3, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर बोलोगे सर नीचे में दोनों ही नंबर क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर दिख रहे हैं, अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो अभाज्य के लिए मैंने एक स्पेशल नियम बताया था कि आप सीधे सीधे गुना कर दोगे, 7 21 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो बिल्कुल, ऐसा मत सोचना कि ऐसे नहीं होगा, 3 सेट करोगे तो यहाँ पर 7 तो लिख दोगे क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 1 3 आता है तो 1 बार में लिख दोगे, फिर 7 से करोगे तो यहाँ 1 लिखोगे यहाँ 1 लिखोगे, तो एलसीएम देखो ऐसे भी करोगे तो आपको वही करना पड़ेगा, 3 गुना 7 किया तो 21 आया, तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर दो अभाज्य संख्या रहेगा ना दोनों प्राइम नंबर तो सीधे गुना कर देना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 7 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, चैट में लिखिए, 7 के टेबल में 7 का टेबल पढ़ना है आपको, नीचे वाले नंबर का टेबल पढ़ना है, 21 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 7 3 21 होता है, तो 23 को 3 से गुना कर दो, 23 × 3, यहाँ पर माइनस है माइनस लगा दिया, 3 के टेबल में 7 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, सॉरी 3 के टेबल में 21 7 बार में आएगा, तो बोलोगे 3 7 21 तो 16 को 7 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे 16 × 7, ठीक है। अब 23 की 3 से गुना करिए, ये कितना मिल रहा है, 3 3 9, 3 2 6, 69 मिल रहा है, 16 7 कितना आता है, अब मुझे बताइए टेबल कितने लोग को याद है, 16 7 कितना होता है, 16 7 112, तो आप बोलोगे 112, वेरी गुड, ठीक है, 69 माइनस 112 बाई 21। अब देखो आपको ये भी बताया गया ना कि एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर आप घटाओगे तो एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो 69 में से 112 घटाने के लिए आप 112 में से 69 आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4, है ना, तो आप बोलोगे 43, तो बोलोगे -43/21 हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्लियर हुआ, -43/21 क्लियर हुआ, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को घटाने आया था, ठीक है, तो माइनस का आएगा। इतनी सारी चीजें क्लियर है तो एक बार यस लिखिए, और कोई भी डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर दो, अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी को आंसर करना, ठीक है, क्लियर है, सभी लोग लिखिए जल्दी से तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन है 4/5 में से 1/3 को आपको घटाना है, 4/5 में से 1/3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत ही आसान है, हड़बड़ी बस मत करो, आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल मैं समय दे रहा हूं, ठीक है, एक आंसर आ गया, वेरी गुड, देखो स्टेप्स क्या हैं, पहले आप एलसीएम निकालोगे हर का, है ना, जो भी डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है यानी 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 का एलसीएम निकाल के देख लो कितना आ रहा है, एलसीएम नीचे लिख देंगे, हमेशा नीचे में एलसीएम लिखते हैं, उसके बाद देखो कि एलसीएम जो भी है 5 के टेबल में कितने बार में आ रहा है, जितने बड़ी बार में आएगा 4 को उतने से गुना करो, बीच में माइनस है माइनस लगाओ, बाकी के प्रोसेस आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है।
बैठे नहीं रहना है, सभी को सॉल्व करना है। काफी कम आंसर आए हैं। जैसे ही आप आंसर देते हो ना, पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, 25 सेकंड और रुक रहे हैं। ऐसे काफी कम आंसर आए हैं, लेकिन जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही हैं। ठीक है, आंसर सभी का सही है, ये अच्छी बात है। फिफ्टीन सेकंड और 15 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए। दस सेकंड और 10 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया है। ठीक है, अभी मैं पोल को, अभी चैट आपका ऑन है। अच्छा देखो, यहाँ पर कुछ बच्चों के फिर से आंसर गलत आए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो बार बार। ठीक है, देखो यहाँ पर आप अगर एलसीएम निकालोगे 3 और 5 का, बस इतना बताओ एलसीएम आप सभी का कितना आया, आप बताओ, मैं लिखूंगा। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 3 और 5 का एलसीएम कितना आया आप सभी का? नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं ना, तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा। क्यों 15 आया? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अगर रहेंगे तो सीधे सीधे बोलेंगे सर इनका जो प्रोडक्ट होता है इनको गुना कर दो, सीधे सीधे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 15 लिख दिया। आप मेथड से भी करोगे तो भी वो ही होगा। ठीक है, 3 और 5 की आप अगर एलसीएम निकालोगे तो 3 लिखोगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर मैं 5 लिख दिया। ठीक है, फिर 5 से लगाओगे तो यहाँ 1 और 1 लिखोगे, तो आपको तो वही करना पड़ रहा है ना, 3 और 5 को गुना करना पड़ रहा है, तो आप 15 लिखोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा? 5 का टेबल पढ़िए और कितने बार में 15 आता है, बस इतना बताओ। 3 बार में, 5 3 15 होता है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो काफी बच्चे। तो 5 के टेबल में 3 बार में 15 आता है, टेबल 5 का पढ़ा, 3 बार में 15 आता है, तो दिमाग में 3 को रखिए, और इस 4 को जो ऊपर में 5 के ऊपर जो नंबर लिखा गया ना, इसको आपको 3 से गुना करना होगा। तो आप देखोगे 4 × 3, क्लियर हुआ? यहाँ पर माइनस है तो बीच में यहाँ पर मैं माइनस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 3 का टेबल पढ़ो और मुझे बताइए 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 3 के टेबल में कितने बार में 15 आएगा? बोलोगे 3 × 5 = 15 होता है सर 5 बार में, तो ऊपर वाले नंबर को जो ऊपर में 1 लिखा गया है ना, इसको आप 5 से गुना करोगे, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। यहाँ लिखोगे 1 × 5, यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो 4 3 कितना होगा, 4 3 12, 5 1 5 है ना, 12 - 5/15, और 12 में से 5 घटाओगे तो कितना मिल रहा है, 12 में से 5 तो घटा सकते हो। अब बोलोगे 7 7/15 है ना, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्लियर हुआ, बताइए इतना क्लियर हुआ? अच्छा, ऑप्शन सी किसके आंसर थे, एनीवन बताइए चैट में लिख के। जिसका भी आंसर ऑप्शन सी था वो वाई लिखेगा चैट में। कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन सी थे, 2 या 3 बच्चों के थे, आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, जिनका भी आंसर गलत था आप बता सकते हो कि सर गलती हो गई। ठीक है, तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने गलती की, अगले बार फिर से आपको सही करना है। ठीक है, चलिए, तो एनीवन, कोई नहीं किया था क्या 3/5, कुछ आंसर आए थे 3/5। ठीक है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये क्लियर है ना, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ बोला जा रहा है आपको कि 7 पूर्णांक 1/2 में से, ठीक है, देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में से घटाना है। आप बोलोगे 7 होल 1/2 लिखा हुआ है सर, इसको घटाना किससे है, -3 होल 3/4। ठीक है, 3/4, चलिए पहले तो आप कन्वर्जन करोगे, पहले आप कन्वर्ट करो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। सॉरी, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए।
उसके बाद आपको एक अनुचित भिन्न को दूसरे अनुचित भिन्न से घटाने के लिए तो आता है, ठीक है, एलसीएम लेना है, जो भी चीजें करनी है वो सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब आंसर आ रहे हैं कुछ लोग के, वेरी गुड, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करो, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, पहले आंसर करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैटर ये करता है कि आप आंसर सही हो रहा है आपका, ठीक है, पहले करो या बाद में करो, पोल में कभी भी अचानक से मैं नहीं बंद करूंगा, ठीक है। चलिए 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और, फिफ्टीन सेकंड, 15 सेकंड, अभी भी दो बच्चे का आंसर नहीं आया है, ठीक है, अब ऑलमोस्ट सभी ने आंसर कर दिया है, अभी 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है और मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है, ठीक है, बाकी सभी के आंसर सही है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, देखो यहां बोला गया 7 पूर्णांक 1/2 -3 पूर्णांक 3/4, मुझे बताइए 7 पूर्णांक 1/2 को आपने अगर कन्वर्ट किया अनुचित भिन्न के फॉर्म में, इम्प्रॉपर भिन्न में, तो आपने क्या लिखा, बस इतना बताओ, 7 पूर्णांक 1/2 को आपने क्या लिखा, आप क्या बोलोगे, सर 7 और 2 को गुना करेंगे, ठीक है, इसलिए कोई भी क्लास नहीं छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बार बार यूज होंगी, तो आप बोलोगे 7 × 14 और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ दोगे तो बोलोगे 15/2, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 15/2, यहां पर माइनस है तो यहां मैं माइनस लिख दिया, ठीक है, आगे बढ़ो, आप बोलोगे 3 पूर्णांक 3/4 को आपने अगर सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, 3 और 4 को आप गुना करोगे, 3 और 4 को गुना करोगे तो 12 मिलेगा, 3 × 12, और इस 3 को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 15, तो आप बोलोगे 15/4, ठीक है, 15/4, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना, 15/2 कैसे लिखा और 15/4 कैसे लिखा, ठीक है, कन्वर्जन था बस, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे अगर कोई दो संख्या है जिसमें बड़ी वाली संख्या दूसरे वाले के टेबल में आता है, जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, तो बड़ा वाला संख्या ही एलसीएम हो जाता है, तो यहाँ पर 4 लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 और 4 का एलसीएम आप मेथड से, इस वाले मेथड से आप हमेशा सही कर सकते हो, ठीक है, बस कुछ शॉर्टकट में बताया था वही वाला मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से लगाओगे तो 1 कम और यहाँ पर 1, तो इन दोनों को गुना करने पर 4 मिल रहा है ना, देखो 2 × 2 तो एलसीएम 4 आएगा, अब देखो अगर 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो 15 को 2 से गुना करेंगे तो 15 × 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दिया, 4 के टेबल में 4 1 बार में आएगा, नीचे 4 और 4 अगर सेम मिल गया तो 4 के टेबल में 4 एक ही बार में आएगा, तो 15 को 1 से गुना कर दो उसके ऊपर वाले नंबर को, तो 15 को 1 से गुना करोगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 15 को 2 से गुना करने पर आपको 30 मिलेगा, है ना, 30 मिला, 30/4 माइनस 15 को 1 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 15/4, ठीक है, सॉरी आप लिखोगे इस तरीके से, आप लिखोगे 30 - 15, है ना, 15 को 2 से गुना किया 30 आया, 15 को 1 से गुना किया 15 आया, 30 - 15/4, 30 में से 15 घटा दोगे तो आपको 15 मिलेगा, 15/4 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये क्लियर हुआ हाँ या ना,
15/4 हमारा आंसर आया फाइनल। ठीक है, तो मैक्सिमम सभी के आंसर यही थे, कुछ बच्चों के आंसर 15/2 थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गलती कर दी, एलसीएम चार होगा ना, एलसीएम चार होगा इसलिए नीचे में चार लिखा है। क्लियर है? चलिए, और ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है आगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर 15/4 हुआ। चलिए अब मैं कुछ एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ अपने तरफ से, इस क्वेश्चन को करिएगा। मान लो आपके पास एक पूर्ण संख्या दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा सीखो, पूर्ण संख्या में से आपको अगर एक भिन्न को घटाने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5 में से आप घटा दो 2/3, तो आप कैसे करोगे? देखो, इसको करने के पहले आप ये समझो, कभी भी कोई नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4, तो आप 4 को 4/1 लिख सकते हो, 4/1। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 8, तो 8 को आप लिख सकते हो 8/1। तो एक सभी नंबर के नीचे में रहता है, छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक किसी भी नंबर के नीचे में आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर मैं लिख रहा हूँ 20/1 और 20, ये दोनों सेम है कि नहीं है बताइए? 20/1 और 20 का मान सेम होगा ना, तो 20/1 और 20 सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे सर इसको मैं 5/1 लिख दिया, अब इसका एलसीएम निकालिए, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? ये याद रखिएगा, मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बताया था पिछले क्लास में, 1 और कोई भी नंबर का आप अगर एलसीएम निकालोगे तो ये वाला नंबर ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ एलसीएम 1 और 3 का, तो आप बोलोगे सर एलसीएम 3 आ जाएगा। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि एलसीएम बताइए 1 और 15 का, तो बताइए एलसीएम कितना बोलोगे? 1 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो 1 के साथ एलसीएम निकालोगे तो बड़ा वाला नंबर ही आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे एलसीएम 3। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम 3 लिख दिया। ठीक है, इसको मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बोलोगे बड़ा वाला नंबर लिख दिया। अब बोलोगे सर 1 के टेबल में नीचे में 1 है ना, तो सीधे सीधे बोलिए 1 के टेबल में तो 3 बार में आ जाएगा, 1 + 3 करेंगे, 1 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। ऊपर वाले नंबर को 5 को 3 से गुना कर दो, माइनस है, 3 के टेबल में 3 1 बार में आएगा, तो 2 ऐसे ही लिख दोगे, 2 कम 1। ठीक है, 2 × 1। अब बोलोगे 15 - 2/3, यानी आगे हमारे पास 13/3। ये समझ में आया? तो एक पूर्ण संख्या को भी आप एक भिन्न से घटा सकते हो। ये क्लियर हुआ बताइए? इतनी बातें क्लियर है? एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भी घटाया जा सकता है, इस तरीके से घटाएंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन दे दूं, चलिए इसको सॉल्व करिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में ये सारी चीजें काफी हेल्प करेंगी आपकी रिवीजन करने में। चलिए आगे बढ़े। चलो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 7 में से आपको घटाना है 3/2, चलिए इसको घटा के बताइए कितना आ रहा है? सात में से 3/2 घटाना है, एक पूर्ण संख्या में से एक भिन्न को घटाना है। आंसर आपको चैट में देना है। तो एक आंसर आया है 11/2, और कोई आंसर? बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। ग्यारह बटा दो, ठीक है, सभी के आंसर 11/2 आ रहे हैं। ठीक, देखो इसको क्या करोगे, एलसीएम तो सीधे बोलेंगे सर यहाँ पर 7 को लिख दोगे 7/1। ठीक है, अब 1 और 2 का एलसीएम लिखोगे तो नीचे में 2 लिखोगे। ठीक है, 1 के टेबल में 2 2 बार में आएगा, तो इस 7 को 2 से गुना करेंगे, है ना, इसको 2 से गुना करेंगे। 1 वाले में तो काफी आसान हो जाता है, 1 × 2 = 2, तो इसको 7 से 2 से गुना कर दो, 7 × 2 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ मैं माइनस लिख दिया, यहाँ पर 2 है तो 2 = 2, तो 3 लिख दोगे। ठीक है, 3 × 1 भी लिखोगे तो 3 ही आएगा ना, 3 × 1, तो यहाँ से बोलोगे 14 - 3/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 11/2। ठीक है, ये क्लियर है? ये समझ में आया?
तभी को समझ में आनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगली क्लास में करेंगे, है ना।